हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो ये नोटिफिकेशन है वो HP PWD की है। मल्टी टास्क वर्कर जो रखे जाएंगे 5000, उनके रिगार्डिंग है। इसमें पॉलिसी बताई गई है कि किस बेस पे वो रखे जाएंगे। जैसे कि इसमें लिखा है कि जो भी सिलेक्ट होंगे उनको मल्टी टास्क वर्कर लोक निर्माण कहा जाएगा, और इंजीनियर इन चीफ डिसाइड करेंगे किस डिवीज़न में कितने कैंडिडेट्स रखने हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड मल्टी टास्क वर्कर सब डिवीज़न में और डिवीज़न में प्रोवाइड करना, और एलिजिबल एंड एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स को लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट देना। और एलिजिबिलिटी जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और कोई भी मेंबर फैमिली का गवर्नमेंट PSC या बोर्ड जॉब में नहीं होना चाहिए, और कोई भी क्रिमिनल नेचर का केस उस पर नहीं होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, और परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए लोकल विलेज, ग्राम पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ का जहाँ पे जो है वैकेंसी रिक्रूटमेंट की जाएगी। और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मिडिल पास है, और वो किसी भी स्कूल जो हिमाचल में सिचुएटेड है उससे पास होने चाहिए, और ये कंडीशन बोनाफाइड हिमाचलियों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। इसमें मतलब सीधा सही है कि क्योंकि इसमें लिखा है कि आप लोकल होने चाहिए, विलेज, ग्राम पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज़ के, जो तो जो बोनाफाइड हिमाचली हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। एडवर्टाइजमेंट जो है इसकी वो सुपरिंटेंडेंटिंग इंजीनियर जो SC होते हैं वो इशू करेंगे, जब उसके इंजीनियर इन चीफ जब अप्रूवल दे देंगे कि किस डिवीज़न में कितनी पोस्टें होनी है सर्कल में, उसके बाद SC जो हैं वो इशू करेंगे, और ये सब डिवीज़न डिवीज़न और सर्कल में और ग्राम पंचायत में जिसमें वैकेंसी फिलअप होनी होगी उधर भी लगाई जाएगी। और उसके बाद जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताया गया कि जब अप्लाई करने को निकालेंगे उसके बाद आपको क्या क्या लगाना है। आधार कार्ड है, सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ है, और हिमाचली बोनाफाइड है, नो कैंडिडेट अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट मतलब कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट PSU बोर्ड में नौकरी नहीं करता है, SC ST OBC या EWS कैंडिडेट है उसका सर्टिफिकेट लगाना है, क्लास 8 मिडल का सर्टिफिकेट लगाना है, और BPL सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी लगाना है। और सिलेक्शन कमेटी जो होगी उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट जो होंगे वो होंगे। और जो इसमें बताया गया कि किस सिलेक्शन जो है टोटल 10 मार्क्स के बेस पे होगी, जैसे एकेडमिक के 5 मार्क्स हैं, SC ST OBC का 1 है, BPL और EWS के 2 मार्क्स हैं, और फिजिकल टेस्ट जो इंजीनियर इन चीफ HP PWD बताएंगे उसके भी 2 मार्क्स हैं। तो इस बेस पे जो है इसमें टोटल सिलेक्शन होगी। और इसमें बताया गया कि वेटिंग लिस्ट भी, एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, और वेटिंग लिस्ट 1 साल के लिए वैलिड होगी, अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो अगले को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इसमें बताया गया कि लीव किस बेस पे मिलेगी, तो 12 टोटल लीव मिलेंगी, और 5 डे लीव ऑन इलनेस पे भी उसको मल्टी टास्क वर्कर को दी जाएगी। तो यही कंडीशन है, और अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप HP PWD की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं।